भूमि ने आपने हर नाग नागिन का ख्याल रखा है, लेकिन आज आपकी सपोली आपसे कुछ मांग रही है। मुझे यकीन है आप मना नहीं करेंगे। बब्बल जी को कुछ मत होने देना। इसके लिए मैं आपकी कठिन से कठिन परीक्षा पार करूंगी। बलजी को बचा लो, वन की छाया उन पर डाल दो। नहीं बब्बल जी, आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर, पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है। मारा छोरा कैसा है? हाँ, मारा छोरा ठीक तो है ना?
चुप क्यों है डॉक्टर? बोलिए ना डॉक्टर। हमने पूरी कोशिश की लेकिन 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 क्या? हम आपके बच्चों को बचाना चाहते हैं। ए नागोमी देव, ये कैसा कहर है? इतना प्यारा घर, इतने प्यारे लोग, जो लोग कहरों को इतना अपनापन देते, आज उन्हीं के अपनों के साथ ये सब। ये तो अन्याय है। गुरुजी, आप कुछ कीजिए, किसी भी तरह। ये किस्मत का लिखा है मुखिया जी, इसे हम अपने हाथों से मिटा नहीं सकते। जो हुआ है स्वीकार करना होगा हमें भी और उन्हें भी। हर बार मैं गिरता हूं और तुम मुझे हर बार ऐसे ही संभालती हो। पहला भी तो हम आपके हैं कौन?
छोरा, आज दिवाली है, आज घर में दिए जलाते हैं छोरा, घर का दिया बुझ नहीं सकता। तेरे पाँव दबाते हैं। छोरा, छोरा, तू अपना ख्याल रखना। दादी तो चिंता मत कर, मैं तेरा पोता हूँ ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जब तक इच्छा की सांसें चल रही है, बब्बल जी की सांसें बंद नहीं हो सकती। भाई साहब सुनिए, ये पहलवान परिवार यही रहते हैं ना? जी हाँ, यही रहते हैं। लेकिन आज उनके परिवार में बहुत बड़ा हादसा हो गया। कैसा हादसा? एक बड़ा बम फूटा और उस घर के सबसे छोटे बेटे की हालत बहुत गंभीर हो गई। सब अस्पताल ले गए, पता नहीं बच पाएगा या नहीं। वो नहीं मर सकता जी। तो मेरा मतलब है कि बहुत अच्छे परिवार है, अच्छे लोग हैं, उनके साथ ये सब होना नहीं चाहिए। इतने दिनों बाद मन से मिली और बीच में ये सब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, घर नहीं तो अस्पताल ही सही। घर के एक एक शख्स की मौत मेरे हाथ लगी। बात को इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं बदल सकता। कितनी अजीब बात है, इन इंसानों से हमारा कोई लेन देन नहीं, फिर भी इन्हें दुखी देखकर पता नहीं क्यों बहुत बुरा लगता है। आंसू अक्सर अच्छाई को अच्छाई से जोड़ते हैं मुखिया जी, और फिर हमारी जातियां भले ही अलग हैं, पर हमारी भावनाएं तो एक ही है ना। बिल्कुल, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ माँ। इच्छा, इच्छा, तू यहाँ अचानक कैसे? तुझे तो इस वक्त उस परिवार के साथ होना चाहिए था बेटा। किसी को मुसीबत में अकेले छोड़कर आना नागिस्तान के संस्कार नहीं है इच्छा। मुखिया जी, मैं डर कर या भाग कर यहाँ पर नहीं आई हूँ, बल्कि बब्बल जी की मुसीबत का हल ढूंढने आई हूँ। मृत्यु का कोई हल नहीं होता इच्छा। साझा प्रत्यर्पण भी नहीं? मूर्खो जैसी बात मत करो इच्छा। पर इसमें गलत क्या है गुरुजी? गलत है जो विधि सिर्फ और सिर्फ नागिस्तान के लोगों के लिए बनाई गई है, तुम एक इंसान के ऊपर उसका प्रयोग कैसे कर सकती हो? समझाओ अपनी बेटी को। अरे अपने ही फन को अपने पैर पर मारने की बात कर रही है ये। हाँ बेटी इच्छा। पिताजी, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। समझने की कोशिश करो बेटा। माँ, समझने और समझाने का वक्त नहीं है।
कि बब्बल जी की जान बचानी है। हाँ तो अब क्या, उसकी जान बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दोगी? साझा प्रत्यर्पण का मतलब जानती हो तुम? अपनी जिद छोड़ दो इच्छा। मुखिया जी ये जिद नहीं, हमारा अधिकार है। भगवान से हमें मिला हुआ हमारा वरदान है। ऐसा वरदान जिसका प्रयोग हम केवल और केवल दूसरे नाग की जान बचाने के लिए ही कर सकते हैं। किसी इंसान के लिए इस विधि का प्रयोग करना नागिस्तान के नियमों के खिलाफ है। गुरुजी, अच्छाई किसी नियम की मोहताज नहीं होती। और जान वो चाहे किसी की भी हो, उसका मोल कम नहीं होता। जब एक सांप सपेरे का शिकार बनता है, हम में से कोई अपना भाई खोता है, कोई अपना बेटा खोता है, कोई अपना दोस्त खोता है। ऐसे ही आज इंसानी बस्ती में ये रिश्ते दांव पर लग गए हैं। और अगर ऐसे में मैंने उनकी जान नहीं बचाई तो, और मेरे पास तो शक्ति है, मैं एक पूजा करके। अच्छा, ये इतना आसान नहीं है बेटा। हाँ बेटा, कुछ भी हो सकता है। हमें तो ये तक नहीं पता कि इस पूजा का असर इंसान के ऊपर होगा भी या नहीं, और नहीं हुआ तो। और अगर हो गया तो? ये प्रयोग कोई बच्चों का खेल नहीं है इच्छा। तुम्हें अपनी शक्ति, अपनी आत्मा, अपना शरीर सब त्यागना होगा, तब जाकर इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। अच्छा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती बेटा। माँ, मैंने अगर आज कोशिश नहीं की तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं जीते जी मर जाऊंगी माँ। आपकी बेटी आपके साथ तो होगी, उसमें कोई जान नहीं होगी। ये पूजा असफल हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा इच्छा। और अगर सफल हो गई तो एक बिखरा हुआ परिवार संभल जाएगा। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता इच्छा। और आपकी इजाजत के बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी मुखिया जी। अब समझे आप लोग? इसीलिए मैं इच्छा को इंसानी बस्ती जाने से मना कर रही थी। चल मेरी तो पागल हो गई ये लड़की। आज तक तो मैंने सुना था कि इंसान सांपों के दांतों से जहर निकाल लेते, पर ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ कि इसके दिमाग से अकल निकाल ली गई है। तो कर क्यों रही हो ये सब? हाँ, क्या लगता है वो इंसान तुम्हारा रिश्ता क्या है तुम्हारा उसके साथ, जो तुम अपनी जान देने पे तैयार हो? प्यार व्यार तो नहीं हुई ना तुम्हें उससे? हो गया मुझे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.